हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं बफेलो मिल्किंग। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आज अपनी बहन के घर आई हूँ, सिस्टर के घर, क्योंकि समर वेकेशंस चल रहे हैं। तो इस वजह से मैं अपने वेकेशंस में अपने पे के आई हूँ, यानी कि आज मैं अपने दीदी के घर आई हूँ। तो मेरी दीदी के घर भैंसे हैं और हमारे घर सिर्फ गायें हैं, तो इसलिए मैं आपको बफेलो मिल्किंग नहीं दिखा पाई थी पहले। तो आज मैं आपको बफेलो मिल्किंग दिखा रही हूँ क्योंकि दीदी के घर पे सारी भैंसे हैं। सब पहले जब मैंने दीदी को बोला कि मुझे वीडियो बनानी है, तो उस टाइम तक दीदी ने इस गाय भैंस के पास दाना डाल दिया था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद दीदी ने दूध उतरवाया, देखे किस तरीके से थन हो जाते हैं भैंस के, तो गाय के नहीं होते इस तरीके से, हाथ से तो उतरवाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। और इसके बाद दीदी ने अच्छे से थनों को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर दिया, बिल्कुल साफ़ पानी से। और अब धोने के बाद दीदी निकालने शुरू कर रही हैं इसकी धार। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ इसके साथ ही, कि जो भैंस के थन होते हैं वो गाय के थन से थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं। जो गाय के थन होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, वो उनसे धार थोड़ा जल्दी निकलता है। और बाजू का जो ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बहुत कम मेहनत से निकल जाती है, लेकिन जो भैंस की दूध होती है निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एक तरह से दोनों बाजुओं की वर्जिश हो जाती है, एक्सरसाइज ही हो जाती है, लेकिन है बड़े मज़ेदार, क्योंकि भैंस की एक अलग सी बात होती है और गाय में जो नहीं होती। गाय कभी भी किसी के हाथ नहीं डलती, यानी कि एक ही ये नहीं है कि उसकी धार एक ही बन निकालेगा। भैंसों का ये होता है कि अगर उसकी धार एक ही इंसान निकाल रहा है तो वो किसी और के पास दूध देती नहीं। और दीदी की ये भैंस हो चुकी है हाथ वाली, यानी कि हत्थड़, ये सिर्फ दीदी के पास ही दूध देती है और किसी के पास ये दूध ही नहीं देती। वैसे मैं इसके पीछे खड़ी थी तो यहाँ पे थोड़ा रोशनी कम थी क्योंकि शाम का वक्त हो चला था, तो इसलिए आपको थोड़ा देखने क्लियर। तो वैसे मैंने पूरी बना रखी है फिर भी। तो अभी दीदी दूध निकाल रही हैं क्योंकि काफ़ी इसमें थक जाती हैं बाजुएँ, हाथ थक जाते हैं क्योंकि काफ़ी हार्ड होते हैं इनके थन। हार्ड थनों से दूध निकालना बहुत ही टफ होता है, बहुत। देखिए किस तरीके से दीदी हाथ भी उनके बहुत ज़्यादा हाथ थक जाते हैं बार बार से, तो वो बदल बदल के निकाल रही हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया है। और जो बोल रहे थे कि मैंने बफेलो मिल्किंग नहीं दिखाई, तो मैं आज उनके लिए बफेलो मिल्किंग लाई हूँ ये की वीडियो, क्योंकि मैं दीदी के घर आई थी, तो इसलिए आज मैंने आपको इनकी एक भैंस की दिखाई है, कल मैं दूसरी भैंस की दिखाऊंगी। तो ये दीदी दूध निकाल के आ चुकी हैं और ये किचन में ले जा के रख रही हैं। और आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू फॉर वॉचिंग।